राहुल गांधी ने भले ही उत्तराखंड में चुनावी आगाज किया हो, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में वो जहां जहां प्रचार करने गए वहां कांग्रेस को हार मिली है। एक नजर डालते हैं उनके चुनावी स्ट्राइक रेट पर। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं, राहुल गांधी का प्रचार मतलब हार है क्या? तो बिहार विधानसभा चुनाव में वो प्रचार करने के लिए गए थे 2020 में, कितनी सीट पर लड़े? 70। और कितनी सीट जीती? तो 19 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो ये 27.14%। वही बात करें यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की, तो कितनी सीट पर लड़े? 114 पर लड़े। और कितनी सीट जीती? 7 सीटें सिर्फ जीती थी। स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 6.14% ये स्ट्राइक रेट रहा। बात करते हैं अगले चुनाव की, यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जो कि 2019 में हुए थे। कितनी सीट पर पार्टी लड़ी थी? तो 147 सीटों पर। और कितनी सीट जीती? तो सिर्फ 44 सीटें इनके खाते में गई। स्ट्राइक रेट रहा 29.93%। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां 2019 में गए थे प्रचार करने के लिए राहुल गांधी। कितनी सीट पर लड़े? तो 41 सीटों पर ये चुनाव लड़े। और कितनी सीट जीती? 8 सीटें इन्होंने जीती थी। स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 19.51%।